एसटीएन देखवा वाला सभी दर्शकाना अदिति की आड़ी सु घणो घणो राम राम। आप देख रिया छो खबरा आपने हाड़ूती सु। चोरी को प्रयास करता होया पकड़िया गया। मोटियार की पीट पीट कर बहरहमी सु हत्या करबा की वारदात कताई अंजाम देवा वाला तीन आरोपिया कताई पुलिस ने गिरफ्तार कर लियो छ। देवेंद्र राधेश्याम और शंभू सिंह ने पिछला दिना लाठी और पाइपा सु पीट पीटर मोटियार कताई मौत का घाट उतार दियो छो और पुलिस कताई एक आरोपी का दोस्त द्वारा सूचना देवा पर हत्याकांड को पतो चालियो छो। मृतक की पहचान रवि उर्फ राजू निवासी हरिओम नगर का रूप में हुई छ। जो रोड नंबर 5 हनुमान मंदिर का सोडर रहो छ और नशा को आदि भी छो। राहुल की सूचना पर पुलिस मौका पर पूगी तो प्लाट और धनिया फैक्ट्री के बीच सकरा नाला में एक लाश पड़ी मिली छी और लाश एक ही सु दो दिन पुरानी बताई जा रही छ जिकी पहचान रवि के रूप में हुई छ। पुलिस का हत्या का आरोप में देवेंद्र राधेश्याम और शंभू सिंह का तई गिरफ्तार कर लियो छ। फिलहाल अनंतपुरा थाना पुलिस पूरा मामला की जाँच कर रही छ। ये 20 तारीख की रात्रि की घटना है। रोड नंबर 5 पे ये जो मृतक है रवि उर्फ राजू, वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है जिसपे ये रहता था। वहीं आस पड़ोस में मजदूरी करता था, वहीं खाना पीना सारा रहना इसका वहीं था। पिछले साल भर से लोगों को देखने में आया कि यही मजदूरी करके मंदिर के पास रहता था। ये आतन नशे का आदि था और प्राय नशे में रहता था। घटना वाले दिन ये हुआ कि वहाँ आस पड़ोस में जो कम फैक्ट्रीज के बाड़े बने हुए हैं जिसमें कबाड़ वगैरह सामान पड़ा रहता है, तो उसमें उसके जिस जगह पर ये रह रहा है उसके पास ही एक शंभू सिंह एक चौकीदार है किसी बाड़े में। शंभू सिंह को और उसके साथ ही दूसरे देवेंद्र और उनको ये शक था कि उनका छोटा मोटा सामान जो ये मजदूरी करते हैं उनका लोहे का कबाड़ ये चोरी रवि राजू चोरी करता है। तो उसी के चलते उन्होंने उस रात्रि को जब ये नशे की हालत में था तब उसको उस अपने पुरानी चोरियों के बारे में उससे पूछताछ शुरू कर दी और ये उस समय किसी नौरे के अंदर घुसा था। अब उससे इनको ये अंदेशा हुआ कि लगातार हमारे यहाँ जो छोटा मोटा सामान चोरी हो रहा है वो यही कर रहा है। इसके चलते इन तीनों साथियों ने शंभू सिंह जिस बाड़े में चौकीदारी करता है उस बाड़े में इसको लेके गए। वहाँ जाकर इन्होंने लाठियों और सरियों से इसके साथ मारपीट करी और उस चारदीवारी जिस चारदीवारी के पास जिस नोरे में चौकीदारी करता उसके पास ही एक दूसरी फैक्ट्री और इस नोरे के बीच में थोड़ा नाला सा बना हुआ है तो वहाँ ऐसी जगह थी जहाँ हर किसी को दिखाई नहीं दे। इन्होंने तीनों ने मिलकर उस डेड बॉडी को पानी से निकाल के वहाँ डाल दिया। इस तरीके से ये 2 दिन तक उस डेड बॉडी वहाँ पड़ी रही। उसके बाद हमारे पास इनमें से एक मुलजिम देवेंद्र है जिसने अपने किसी साथी के सामने इस तरह की घटना का जिक्र कर दिया। वो बात हमारे पास तक पहुँच गई। हमने उन लोगों से उसी समय रात्रि को पूछताछ की। जब इन लोगों के नाम आए कि भाई इन लोगों के लास्ट टाइम रवि के साथ मारपीट की थी तब हमने इनके घरों की वहाँ तलाशी ली तो ये हमें वहाँ अपनी जगह पर मौजूद नहीं मिले, जिससे हमारा शक और गहरा हो गया। फिर जिस जगह का इन्होंने हमें अवगत हमारे पास सूचना मिली थी उसी रात्रि में हमने उस जगह की सघन तलाशी ली जिससे बॉडी भी पुरानी हो गई थी। वैसे तो सुनसान जगह थी और जगह भी ऐसी थी जहाँ हर कोई पहुँच नहीं सके, लेकिन बॉडी पुरानी होने से उसमें स्मेल आनी शुरू हो गई थी जिससे हमने जब तलाशी ली तो हमें भी वो बदबू का वहाँ से स्मेल आई और उसी स्मेल का पीछा करते हुए हमें। राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल विचार सु पहली 283 राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का स्थानांतरण कराया छ और विवादा में घिरा अतिरिक्त जिला कलेक्टर आरडी मीणा यूआईटी चित्तौड़गढ़ और यूआईटी में सचिव बनाया गया छ। वहां स्थान पर भू प्रबंधक अधिकारी को काम देख रहा छ और महेंद्र लोधा कताई जिम्मेदारी दी गई छ। इस प्रकार अनुराग भार्गव अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कताई कोटा में लगाया गया छ। वही झालावाड़ का एडीएम दाताराम कताई सीईओ चित्तौड़गढ़ जिला परिषद में भेजे गयो छ और कोटा खुला विश्वविद्यालय विद्यालय में रजिस्ट्रार शंभू दयाल कताई तबादलो उदयपुर करियो छ। वही नरेंद्र कुमार जैन कताई एडीएम प्रशासन को काम देख रहा छ और मकताई रजिस्ट्रार कृषि विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी दी गई छ। बाकी जगह राजकुमार सिंह कताई एडीएम प्रशासन बढ़ाया गया छ और महिला और बाल विकास की उपनिदेशक कृष्णा देवी कताई बारा जिला परिषद में सीईओ के रूप में जिम्मेदारी दी गई छ। ज्ञान मल खटीक कताई एडीएम झालावाड़ और ममता तिवारी कताई सीईओ जिला परिषद कोटा की जिम्मेदारी दी गई छ। कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी अजय माकन विधायकों सु राय शुमारी करबा के लिए जयपुर पहुंच गया छ और वही 2 दिन ताई 1-to-1 विधायक सु मिलर मंत्रिमंडल विस्तार और अन्य नियुक्तियां के बारे में चर्चा करेगा। एक बाद भी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी कताई सौंपेगा। बुधवार कताई व कोटा उदयपुर और जयपुर संभाग का विधायकों से बातचीत करेगा। जानकारी के अनुसार विधायकों से राजशुमारी करबा के लिए अजय माकन अकेला आया था और इससे पहले दिल्ली में वासुपूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुलाकात करके अपनी बात रखी थी और बताया जा रहा है कि पूरा फीडबैक लेबा के बाद ये रिपोर्ट सोनिया गांधी का
पुगगी और उनका आधार पर ही मंत्रिमंडल विस्तार को फैसलो करो जाओगो। हालांकि मंत्रिपरिषद की दौड़ में शामिल विधायक जयपुर और दिल्ली ताई लगातार संपर्क कर का दबाव बनावा में लागे हुए छा। वही मंत्रिमंडल में मौजूद विधायक भी अपनी कुर्सी बचावा के लिए प्रयास कर रहा छा। जहाँ मंत्रिया की छुट्टी होबा वाली छा वह भी अपने आप कताई मंत्री बनाए रखबा में जुटिया हुआ छा। अरिकलिया माना मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं से भी मुलाकात करी छा। कोटा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करता हुआ राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन में 5 कार्मिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी छ। कार्मिकाना किसाना का हिस्सा का गेहूं कताई खुर्द बुर्द कर 12 बेच दियो जी की कीमत लगभग 7 लाख रुपया बताई जा रही छ। मामला में बात करता हुआ कोटा एसीबी का डीएसपी धर्मवीर ने बताया कि राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन में एक प्लांट मैनेजर कताई 2 बीज अधिकारी और 2 सहायक कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई छ। जना वर्ष 2015 में कोटा और बूंदी का किसाना कताई बीज वितरित कराया छा जी की फसल का गेहूं कताई किसाना सुलेर 12 बाजार में बेच दियो और जिसु राज्य सरकार का ताई 7 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई छ। जिकी जांच सीआई रमेश आर्य द्वारा की गई छ जिका आधार पर मुख्यालय से निर्देश प्राप्त होपा के बाद एफआईआर दर्ज की गई छ जिमे आगे की कार्यवाही के लिए प्रकरण 12 एडिशनल एसपी गोपाल कानावत का ताई दियो गयो छ। प्रकरण दर्ज किया गया, ये मामला वर्ष 2015 का है। जो राजस्थान बीज निगम है इन्होंने गेहूं का सीड उत्पादन के लिए बूंदी कोटा के किसानों को सीड दिया था और उसकी उत्पादन जब वापस लिया उनका तो उनका जो छान के जो लेते हैं वो ऊपर वाला जो अच्छा बीज था उसको रख लिया था। जो अंडर साइज गेहूँ था उसको वो करीब 1,080 बैग में था उसको इन्होंने उसको खुदबूत कर दिया और उसमें जिसकी जांच की गई थी जिसमें 5 लोगों के खिलाफ तत्कालीन मैनेजर था, 2 सहायक कर्मचारी हैं और 2 बीज सीट में ऑफिसर हैं। टोटल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आगे का अनुसंधान जिनके नोटिस जो भी रिकॉर्ड प्राप्त करके उनका चलन किया जाएगा, इसमें कोई सारा जांच हमने करी है, जांच के बाद ही मुकदमा प्रकरण दर्ज हुआ है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर राज्य स्तरीय सेंसिटाइजेशन कार्यालय कताई वर्चुअली संबोधित करता हुआ चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने क्योंकि प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज और संधा जिला चिकित्सालय में हेपेटाइटिस रोगिया कताई निःशुल्क जांच और उपचार उपलब्ध करवाया जा रहे हो और माना क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2030 कताई हेपेटाइटिस से मुक्त को लक्ष्य रखे हो जी में अर्जित करबा के लिए प्रदेश में पूरी गंभीरता का लारा व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित कराया जा रहा है। और सेमिनार में जुड़ा ILBS का निर्देशक और चिकित्सक डॉक्टर SK सरी ने मौके पर हेपेटाइटिस रोग का कारण बचाव और इलाज का संबंध में विस्तृत जानकारियों को साझा करियो और माना क्योंकि हेपेटाइटिस से मुक्ति के लिए जो लक्ष्य निर्धारित करियो गयो वो प्रदेश में उका ही अनुसार अच्छो कार्यो कर रहे छे। और माना क्योंकि हेपेटाइटिस का नियंत्रण के लिए जरूरी छ कि हेल्थ वर्कर्स का ताई पूर्ण रूप से टीकाकरण कियो जाओ और माना बताए कि हेपेटाइटिस बी और ई की जटिलता के कारण हर साल दुनिया में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो छ। वैक्सीन की शॉर्टेज के चलता अब हर रोज वैक्सीनेशन सेंटर पर महामारी की तस्वीरें सामने आ रही छ। बुधवार का ताई कोटा का शॉपिंग सेंटर इलाका में वो वक्त हंगामा हो गयो जब वैक्सीन की पहली डोज खत्म होगी और वैक्सीनेशन सेंटर का बारह लंबी कतारा में खड़ा लोगा का ताई सब्र को बांध टूट पड़ियो। सेंटर का बारह खड़ा लोगिया ने जमकर हंगामा करियो और इस दौरान पुलिस का ताई बुलानी पड़ियो और पुलिस ने व्यवस्था संभाली। यही कोई ना महिलाओं को ताई संभालबा कर लिया महिला कमांडो भी वैक्सीनेशन सेंटर पर तैनात करेगी और काफी देर ताई हुआ हंगामा के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर पुलिस पेरा कलारा वैक्सीन लगाबा को कार्य करियो गयो। दरअसल जतरा लोग लंबी कतारा में लगर वैक्सीन लगाबा को इंतजार कर रहा था बाकी तुलना में वैक्सीन की डोज कम पड़गी और लोगों ने वैक्सीन खत्म होता ही हंगामा शुरू कर दियो। यह हालात लगभग कोटा के कई वैक्सीनेशन सेंटर पर देखबा का ताई मिल रहा था। नंबर नहीं है अभी तक, कहाँ से आए आप लोग? प्रेमनगर से। उस इलाके में नहीं लग रहा क्या? वहाँ पे नहीं लग रहा, वहाँ दूसरों वालों में लग रहा है। क्या पता लगा आपको, किसने बताया कि यहाँ लग रहा है आपको? हमको किसी ने बताया कि वहाँ पहला डोज। तो आप यहाँ पे आए? कौन सी डोज लगवानी है? लगातार तब से यही खड़े हैं आप? कोई सुविधा नहीं है बैठने वगैरह की? बीच बीच में क्या यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था तो सब है, बीच बीच में और दूसरे जाके लगा रहे हैं ना, वो आदमी जा रहे हैं वहाँ खड़े हो जाते हैं, बीच में कुछ जाते हैं, पीछे खड़े जाते हैं, खड़े खड़े घंटा हुआ मैं खड़े हुए फर्स्ट
डोज लगी थी हमारी। अभी तक आपके फर्स्ट डोज नहीं लगी? नहीं लगी, फर्स्ट लगी। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? दिल्ली फाटक से। पहले भी आए क्या यहाँ पे आप? हम लोगों का जो रूटीन वैक्सीनेशन हो रहे हैं उसके हिसाब से आज हमारे पास में 400 डोज मिली थी, जिसमें 200 फर्स्ट डोज की थी और 200 सेकेंड डोज की थी। फर्स्ट डोज की वजह से हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट डोज के लिए अब लगातार लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और जो लोग बाग हैं वो ये सब्र नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोगों को वैक्सीन लग जाए। उनको ये डर लगा रहता है कि शायद वैक्सीन ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इतनी मारामारी करते हैं। यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छी तरह से चलता था आज तक की तारीख में, लेकिन आज इतना ज़्यादा तादाद के अंदर फर्स्ट डोज के लोग आ गए और आकर के उन्होंने तोड़ा फोड़ी करना शुरू कर दिया और हमारे ही स्टाफ के ऊपर कुछ मैन हैंडलिंग वगैरह हुई, लेकिन हमारे ही कुछ साथी लोगों ने मिल कर के वहाँ बुलाया। पुलिस का जाफ्ता था, जाफ्ता नहीं था, यहाँ पे दो कांस्टेबल थी लेकिन वो फीमेल कांस्टेबल्स थी तो उनसे वो चीज़ें संभल नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने करा करके जाफ्ता बुलाया और जाफ्ता बुला करके फिर इन चीज़ों को सारा सेटल किया। भामाशाह मंडी में सोर्टिंग ग्रेडिंग के लिए नई मशीन लगाई जा रही है। मंडी सचिव एमएल जाटव ने बताया कि ई नाम योजना के तहत मंडी प्रांगण में 32 लाख की सोर्टिंग ग्रेडिंग मशीन लगाई जा रही है। कंपनी द्वारा भेजी जा चुकी वही कंपनी की ओर से आज इंजीनियर आर उकताई साइट देकर फिक्स करवा के लिए जगह चयनित करेगा और किसान ई मशीन के माध्यम से सोर्टिंग ग्रेडिंग करार अपनी उपज कताई अच्छा दामा में मंडी में बेच सकेगा। सोर्टिंग ग्रेडिंग के लिए कीमत फिलहाल निर्धारित न की गई है, पर बाजार में जो सोर्टिंग ग्रेडिंग को भाव छ उकताई कम कीमत पर मंडी प्रांगण में सोर्टिंग ग्रेडिंग की जाओगी, जी पर लाभ किसान कताई मिल सकोगो। मंडी प्रांगण में ई नाम योजना के अंतर्गत लगभग 32 लाख की सोर्टिंग ग्रेडिंग मशीन मंडी प्रांगण में किसानों की जीन्स को साफ करने के लिए, उनकी ग्रेडिंग करने के लिए स्थापित की जा रही है, जो हमारे पास में अभी एक गुरु कृपा कंपनी है उससे हमारे यहाँ प्राप्त हो चुकी है और उसका आज हमारे यहाँ पर उस मशीन को कैसे स्थापित किया जाएगा, टेक्निकली स्पेसिफिकेशन बताने और उसको स्थापित करने की जो मार्किंग के लिए हमारे पास में आज उस कंपनी से उनका इंजीनियर यहाँ पर आ रहा है, वो इस संबंध में बताएंगे कैसे मशीन लगाई जाएगी, कैसे ऑपरेशन होगा, किस प्रकार की स्थापित होगी और ये मशीन लग जाने के उपरांत किसानों को इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है और इससे किसानों को प्रोत्साहन भी मिलेगा अपनी जींसों को साफ सुथरा मंडी में लाने के लिए। बूंदी सदर थाना इलाका का नेनवा रोड गेट नंबर 6 पर तेजाजी मंदिर में राखी दान पेटी से अज्ञात लोगों ने नकदी चुरा ली और अज्ञात चोरा द्वारा दान पात्र कताई तोड़ उमर राखी 20-25 हजार रुपए की नकदी कताई अज्ञात चोर द्वारा चुरा लियो गयो और सूचना मलबा पर मौका पर पुगी सदर थाना पुलिस ने मौको स्थिति का ही देखियो गयो और चोरा की रोड की मदद से दान पात्रा में पीसा डालवा वाला छेद कताई चोरों कर दियो और नकदी लेर अज्ञात चोर मौका से फरार हो गया। फिलहाल सदर थाना पुलिस पूरा मामला की जांच कर रही है। बारा की कोतवाली पुलिस ने भूल भुलैया चौराहा की पुलिया के नीचे नाकाबंदी के दौरान एक बाइक सवार पुरुष और महिला कताई 8 ग्राम स्मैक कलारा गिरफ्तार करियो। जो दरअसल बाइक सवार महिला और पुरुष पुलिस कताई देकर भाग रहा था, इस दौरान ही वहाँ की बाइक स्लिप होगी और वह फसल गया और जी पर पुलिस ने गतिविधियां संदिग्ध लगभग पर दोनों की तलाशी ली और वहाँ का 16 जार स्मैक बरामद हुई छ, जी पर महिला किरण रावल और चंद्र प्रकाश राव कताई गिरफ्तार करियो छ और यहाँ का कब्जा सु 8 ग्राम स्मैक 5700 रुपया नगद बरामद कराया जा और मोबाइल और दूसरा व्यक्ति चंद्र प्रकाश सु स्मैक का परिवार में उपयोग में ली गई बाइक जब्त कर NDPS एक्ट में गिरफ्तार कर लियो छ। मुखबिर से सूचना मिली थी, इसी आधार पर SHO साहब गश्त में थे, उसी दौरान एक महिला बाइक पर आ रही थी तो उसकी तलाशी ली गई मुखबिर के आधार पर, तो उसके कब्जे से उसके बैग से 8 ग्राम स्मैक मिली है। महिला क्या कार्रवाई की जा रही है आगे? यहाँ कार्रवाई करके इसको और थाना सदर के SHO द्वारा इसको अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।
आरपीएससी में रिश्तेदारा का ताई चयन कराबा का मामला में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा बूंदी जिला कलेक्टर पर जमकर प्रदर्शन हुयो और राजस्थान में गहलोत सरकार का शिक्षा मंत्री डोटासरा को पुतलो दहन करियो गयो और जमकर गहलोत सरकार का ताई कोसियो गयो और कार्यकर्ताओं ने चयन का ताई लेर मामला की जाँच की मांग की। राजस्थान के शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने और इस राजस्थान कांग्रेस के मुखिया अशोक जी गहलोत ने जिस प्रकार से पद का दुरुपयोग करके आरएस की भर्ती में जिनके लिखित परीक्षा में कितने अंक आते हैं और साक्षात्कार में आरपीसी में अपने नुमाइंदे सरकार के बैठा रखे हैं और एक फर्जीवाड़ा करके अपने रिश्तेदारों का चयन किया है, फर्जी तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान संपूर्ण राजस्थान में इस विषय को लेकर के राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दे रही है। हमने ज्ञापन के माध्यम से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सीबीआई की जांच की मांग की। जिला में हुई बरसात के बाद एयरपोर्ट स्थित एनसीसी हैंकर में पानी भर गयो और करीब 1.5 फीट पानी भरवासू वहां खड़िया 4 वायरस माइक्रोलाइट का टायर डूबा सु नुकसान को खतरो बन गयो और मैं कताई 1 फीट ऊपर सपोर्ट लगा रखनी पड़ी और सूचना पर नगर निगम की टीम मौका पर पूगी और पानी की निकासी करवाएगी और एयरपोर्ट की दीवारा का सहारा पानी का ताई बारा खाड़ियो गयो और जेडब्ल्यू अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जब भी बारिश को मौसम आओचे हालात अशा हो जाओचे कि कई बार मैं कताई इकी शिकायत भी दे दी गई पर अबार ताई इको समाधान न खाड़ पाया। जी तरह अचानक पानी भर गयो तो तुरंत माकताई वायरस माइक्रोलाइट में पानी जाबा की संभावना छी और माक द्वारा तुरंत सपोर्ट का सारा माकताई ऊपर रखवाया गयो और अगर यामा कोई भी तरह को थोड़ो सो भी पानी चल जाओ तो काफी नुकसान की संभावना पड़ जाओ और एनसीसी हैंगर में 4 वायरस माइक्रोलाइट छ यामा 2017 में आया 2 और 2019 में आया 2 माइक्रोलाइट छ और यहाँ वायरस माइक्रोलाइट के जरिए एनसीसी कैंडिडेट हवा में उड़ान भर बसी का छ और यहाँ 600 एनसीसी कैंडिडेट छ। यहाँ पर हर साल की ये समस्या है, जिस प्रकार से अपन ने देखा यहाँ पर हर साल यहाँ पर पानी बढ़ जाता है और यहाँ पर 2-2, 3-3 फीट पानी। वो तो अच्छा हुआ कल हमने इसकी स्थिति को तुरंत महापौर साहब को पूरे प्रशासन को अवगत करवा के और तुरंत समस्या का समाधान करवाया। तुरंत हमने यहाँ पर 2-2 फीट पानी भर गया था, इससे हमारे जो माइक्रोलाइट है करोड़ों रुपए के माइक्रोलाइट जो हमने बड़ा संघर्ष करके और वो लेटर वगैरह लिख लिखा के दिल्ली केंद्र सरकार राज्य सरकार को सबको लिखने के बाद बड़े संघर्ष के बाद हमारे को ये माइक्रोलाइट वायरस मिले थे, जिससे हमारे एनसीसी कैडेट को उड़ान के लिए प्रशिक्षण सिखाया जाता है, उड़ान भराई जाती है, सिखाया जाता है कैडेट्स को। हमने इनको 1-1 फीट ऊपर सपोर्ट देके हमने लकड़ी के डब्बे जो इन पे जुगाड़ से रखवाए गए हैं और पुलिस मतलब यहाँ पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं किया प्रशासन ने। हाँ, जिला कलेक्टर साहब को हमने लेटर दे रखे हैं, यूआईटी में हमने लेटर दे रखे हैं और ये कारण यही है कि ड्रेनेज सिस्टम हमेशा जाम हो जाता है, उसका कोई परमानेंट समाधान नहीं करते और कल भी वो केवल वो हटा दिया और उसका परमानेंट हम चाहते हैं कि इसका परमानेंट समाधान हो ताकि हर साल में परेशानी नहीं आए। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन बुधवार कताई मीडिया कर्मी से रूबरू होया और इस दौरान कलेक्टर ने विभिन्न मुद्दा पर मीडिया कर्मी से चर्चा की और सुझाव मांगा। प्रेस वार्ता के दौरान जिला कलेक्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मां की लाडो अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी और जिला कलेक्टर ने बताया कि ई कड़ी में घर घर लाइब्रेरी अभियान भी शुरू करियो गयो छे और जिके तहत बालिकाओं के ताई घर बैठिया पढ़बा के लिए विभिन्न तरह की किताबा उपलब्ध करवाई जा रही छे। और प्रेस वार्ता के दौरान कलेक्टर ने बारिश के दौरान पानी भरबा की समस्या और कोरोना की संभावित तीसरी लहर का ताई लेर प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियां और विभिन्न योजनाओं के तहत जिला की स्थिति आदि विभिन्न मुद्दा से संबंधित जानकारी मीडिया कर्मियों से साझा की और व्यवस्थाओं का ताई लेर सुझाव मांगा। तो ये चाहिए अपनी हाड़ोती में अबार तय की खबर। अब दीजो अदिति का ताई विदा। राम राम।